अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले भाई सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड कर्नल रामपाल सिंह भोरिया। तो आज जो हमारे देश के हालत जो आज जो ताज़ा हालात चल रहे हैं कि हमारा देश बिल्कुल गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, इतना ज़बरदस्त संकट। और पहले तो मैं कर्नल साहब से प्रणाम कर लेता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वस्थ हो? स्वस्थ हैं, सब मौज में हैं जी। तो कर्नल साहब, अब जो ये सिचुएशन हमारे देश में बन रही है, अग्निपथ वीर योजना जो ये लेके आए हैं, तो सर आपने डिफेंस में काम किया है, इतने उच्च लेवल पे आपने जॉब करी है, सर आपके विचार क्या? पहले तो ये बताओ। सबसे पहला मेरा विचार है कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। और हमारी जो गवर्नमेंट है ये एक्सपेरिमेंट में ही लगी है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमारी हालत क्या है, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं दुश्मनों से। आप चाइना को ले लो, पाकिस्तान का नेक्सस है चाइना के साथ में। 2 साल से हमारी हालत चाइना बॉर्डर पर अच्छी नहीं है। जिस ढंग के हालात चल रहे हैं, हमें ये एक्सपेरिमेंट ना करके पिछले 2 साल से जो जवान तैयारी में लगे हुए थे, बेचारे सुबह 4 बजे उठ के दौड़ते थे, 6 बजे कितने एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं, उनके दिल पर क्या बीती है ये वही जानते हैं या उनके पेरेंट्स जानते हैं। तो इसका मान लो अगर ये सक्सेस हुआ भी, अभी कुछ युवा अगर इसमें भर्ती हुए भी 4 साल की जॉब में, तो इसका सर क्या मतलब क्या असर पड़ने वाला है अब हमारे डिफेंस पे? डिफेंस में जो भी बातें हैं, हर एक जवान का 3 चीज़ों पर बड़ा नाम रहता था या ध्यान रहता था, नाम, नमक और निशान। नाम का मतलब है कि वो जिस भी बटालियन में, जिस भी रेजिमेंट में रहेगा, उसके नाम के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता था। दूसरा था नमक। नमक का मतलब है अपने देश के प्रति न्योछावर होना, हमेशा वफादार रहना, हमेशा वफादार रहना। और नमक हलाल जो हम बोलते हैं ना, भाई नमक हराम ना हो के हम नमक हलाल हैं। यदि हमने देश का नमक खाया तो हम देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार। और तीसरी चीज़ होती है निशान। निशान का मतलब है हमारा फ्लैग, चाहे वो नेशनल फ्लैग हो या जिस भी फोर्सेस का, आर्मी नेवी एयरफोर्स, किसी का भी जो झंडा है या अपने रेजिमेंट का भी जो झंडा है, उसके लिए अपनी जान देने के लिए हर एक जवान तैयार रहता है। और जिस ढंग से ये हालत कर रहे हैं, 4 साल रखेंगे, 4 साल में आप उनका एनुअल लीव निकाल दो, 8 महीने उनकी एनुअल लीव निकल गई, तो 3 महीने, 3 साल और 4 महीने में वो क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, ये तो भगवान ही मालिक है, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और सर, जो युवा इतने सालों से तैयारियां कर रहे थे, आज हालत ये हो गए कि जब से ये इन्होंने ये घोषणा की है, ऐसे होंगे हरियाणा में 42 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। एक ताज़ा हमारे एरिया में लजवाणा कला में एक लड़के ने आज सुसाइड कर लिया, और ये सुसाइड नोट कर लिख के मरया है वो कि भाई हमारी ज़िंदगी में सिर्फ यही हमारा मकसद था कि हम फोर्स में जॉब करें, हम अब क्या जॉब करें, हम क्या करेंगे, बस वो उसमें डिप्रेशन में चला गया और उसने सुसाइड कर लिया। अब बताओ कर्नल साहब, ये क्या है इसके बारे में? जो हाई अप्स बैठे हुए हैं, उनको इसका मतलब ये है कि उनको ग्राउंड रियलिटी का मालूम नहीं है। ख़ास करके कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, साउथ के भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ के लोग आर्मी या डिफेंस के लिए बहुत तैयारी करते हैं। मैंने खुद भी देखा है कि जवान लड़के सुबह सुबह 4 या 5 बजे रोड पर दौड़ना शुरू करते हैं, उसके बाद जो दूसरे एक्सरसाइज हैं वो सारी करते हैं और अपने आप को फिट करते हैं ताकि हम फोर्सेज में जाने के लायक बने। और ये एक लाइकिंग है जवानों की, एक ये पसंद है कि हम डिफेंस फोर्सेज में जाएं और अपनी देश की सेवा करें। और इसमें हमारे देश में एक ये भी है कि हम आर्मी वालों को या डिफेंस वालों को, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनको हम बहुत रिस्पेक्ट देते extra, हैं। लोग एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलती है, लोग एक्स्ट्रा तो नहीं कहेंगे पर रिस्पेक्ट है उनके लिए, क्योंकि देश में जहाँ भी जरूरत पड़ती है
हमारा डिफेंस का मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्सेस से तो हमें लड़ना होता ही है। कई बार देश के अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं जहां बगैर आर्मी के काम नहीं चलता है, जो सिविल डिपार्टमेंट्स में उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट में लोगों का भरोसा आर्मी पर ही है कि यदि आर्मी आ जाती है तो उनको भी भरोसा हो जाता है कि हमें कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो कर्नल साहब, अब जो जिनके बच्चे जा रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, लास्ट में उन फैमिली को क्या कहना चाहोगे? और या जो युवा आज भी आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में हाहाकार मच रहा है, पहले तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मेरी हार्दिक संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके बच्चों ने इस तरह का स्टेप उठाया है। इस तरह का स्टेप उठाने के लिए भी वो मजबूर हुए हैं, क्योंकि जिस एक आदमी का जो एम होता है, यदि वो एम ही नहीं रहता है तो उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, और इस वजह से ये उन्होंने गलत कदम उठाया है। ज़िंदगी में करने के लिए और भी बहुत कुछ है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक जगह हम नहीं सफल हुए तो दूसरी जगह के रास्ते बंद नहीं होते। एक कहावत है, यदि हमारा एक रास्ता बंद होता तो ऊपर वाला हमारे दो रास्ते खोल देता है। जी बिल्कुल। इस चीज़ में हमें बच्चों को समझा, पेरेंट्स का भी एक वो होना चाहिए कि ताकि लोगों को, अपने बच्चों को समझा पाएँ, भाई कोई बात नहीं है, यदि आप आर्मी में नहीं जा रहे हैं तो बहुत फोर्सेस हैं, आपको फोर्स में ही जाना है, BSF है, CRPF है, ITBP है, इसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए बच्चों को, और अपना एक रास्ता बंद तो नहीं हुआ पूरी तरह से, पर ये इसमें अड़चने बहुत आ गई हैं और जो उनको आगे जाके परेशानियाँ महसूस होने लग गई थी कि हमारे लिए दिक्कत आएगी। और जो आंदोलन अभी चालू हैं पूरे देश में, उन पर क्या बोलोगे? आंदोलन के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, पर इतना ज़रूर है कि ये जो गलत पॉलिसियां ला रहे हैं, यदि इन्होंने स्टार्ट ही करना था तो कोई लिमिटेड लेवल पर कर लेते। वही पहले भी मैंने कहा है कि फोर्सेस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, जिस तरह के हमारे देश के हालात हैं। ना डिफेंस हमारा बाहर के लिए बहुत ज़रूरत है, और इंटरनली भी हम इतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, कहीं हिंदू मुसलमान का चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं मंदिर मस्जिद का चल रहा है, इस तरह से भी जो फोर्सेस के ऊपर दबाव आता है, क्योंकि जिम्मेवारी उनकी आ जाती है लास्ट में आके, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना चाहिए तो लोअर लेवल, लिमिटेड लेवल में होना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम ही 100 में से 75% को 4 साल के बाद बाहर कर देंगे, और 4 साल के बाद बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, ये तो वक्त बताएगा कि इसमें क्या होगा। जी, क्योंकि जब वोट लेनी थी तो वही बात थी भाई, कि भाई वादों पे वादे होते जा रहे थे, फोर्स में हम ये करेंगे, इतना ज़बरदस्त झूठ बोला गया, और अब युवाओं को ये मान लो नरक की तरफ धकेल रहे हैं। हर सिविल जॉब में भी सेम ऐसी सिचुएशन हो रही है। देखिए, ये तो अभी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं, जिम्मेवारी बनती है सरकार की, वो सब तरह से समाज के लिए, जवानों के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट आज हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से ही ये बच्चों में फ्रस्ट्रेशन है। क्वालिफाइड बच्चे हैं, इंजीनियर बच्चे ग्रुप डी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे ग्रुप डी के लिए जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे इतने क्वालिफाइड बच्चे होते हुए और इतने लोअर लेवल पर उनको जाना पड़ रहा है कि वो अपना आप ज़िंदगी सही ढंग से नहीं संवार सकते। जिस ढंग की उनकी क्वालिफिकेशन है, उस तरह का उनको काम नहीं मिल रहा है। जी, तो भाई जैसा कि आज हमारे देश के हालात हो रहे हैं, हमारे युवा सुसाइड कर रहे हैं और आंदोलन करने पे मजबूर हो रहे हैं, जिनकी नौकरी करने की उम्र है, जिनकी भाई तैयारी करने की उम्र है, जैसे कर्नल साहब ने बताया कि बहुत सारे युवा भाई सुबह जो प्रैक्टिस करते हैं, जिन गांव में स्टेडियम की सुविधाएं नहीं हैं कर्नल साहब, वो रोड पे प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत सारे गाड़ियों के शिकार हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और हमारे देश के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां भी जाओ, जिस भी फील्ड में जाओ, वहां लोग आंदोलन करने पे मजबूर हो रहे हैं। और भाई हम तो फिर एक बात कहना चाहेंगे, जैसे कर्नल साहब ने कहा भाई, सुसाइड करना
मरना मतलब किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप कोई दूसरा तरीका आजमाओ, कोई दूसरी फील्ड देखो, एक रास्ता बंद हुआ है, दो तीन चार और खुलेंगे। लेकिन भाई एक तो हमें अपने युवाओं से, मेरे साथियों से, भाइयों से यही कहना चाहूँगा और उनके माता पिता से भी कहना चाहूँगा कि उनको समझाओ कि भाई इस तरह से सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा, तैयारियां करो यहाँ नहीं तो वहाँ से ही, और सरकार के खिलाफ विरोध करने के तरीके जो हैं वो भी सही रखो। हमारी जो संपत्ति है, संपत्ति या राष्ट्र की जो हमारी संपत्ति है, हमें उसका नुकसान नहीं करना चाहिए जी। और जहाँ तक हो सके शांतिपूर्वक आप अपना विरोध दर्शा सकते हैं, मेरा तो यही कहना है। और जवान, ये जो यंग मैन है, उनको एक मेरी यही एडवाइस है कि आप मेहनत करिए, आपको एक रास्ता नहीं है तो दूसरा रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। और खाली एक ये नहीं है कि यदि आर्मी में नहीं गए तो आप फेलियर नहीं हुए हैं, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके विरोध में आप जो भी कर रहे हैं शांतिपूर्वक अपना विरोध दिखाइए और देश की संपत्ति का नुकसान मत करिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़े थे, कर्नल भोरिया साहब, और हमने इनसे इनका ओपिनियन लिया, बात करी, बड़ा बढ़िया लगा। और देश के हित में बोलना हमारे बुज़ुर्गों का हक भी बनता है, और उन्होंने जिस फील्ड में जैसे डिफेंस में नौकरी करी है तो वहाँ का प्रॉपर ज्ञान इनको पता है, वह किस तरह से डिफेंस में काम चलता है, किस तरह से नौकरी होती है, इनको ये अच्छे से मालूम है कि भाई 4 साल में कोई भी जवान वहाँ जाके सीखने लगेगा इतना तो जी मेरे ख्याल वो फिर उल्टा आ जाओगा। अच्छा है ना कि पहले 1 या 1.5 साल की ट्रेनिंग चलती थी, जो टेक्निकल बंदे होते थे उनकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 6 महीने की होती थी, और उसके बाद 6 महीने या 9 महीने या 1 साल आगे लगता था उनको फुल्ली ट्रेन करने के लिए, जिस भी वो केडर में जा रहे हैं, जिस भी ट्रेड के लिए वो सिलेक्ट हुए हैं। पर अभी 4 साल का इन्होंने क्या रखा है, पहले एक प्रपोजल था शायद 25-30 साल पहले, हर एक जवान को हम डिफेंस में लेके आएं, मेरा जहाँ तक याद है, मेरे को याद आ रहा है, उसके बाद प्रपोजल था कि हम 7 या 8 साल के बाद उनको पैरा मिलिट्री फोर्सेस में ट्रांसफ़र कर दें, जो इधर के लिए फिट रहे हैं उनको यहाँ के लिए रखें, बाकी जो बंदे हमारे हैं उनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए, ताकि आर्मी का ट्रेंड बंदा यदि पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाएगा तो वहाँ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। वो तो कर्नल साहब ये था कि भाई हर युवा के लिए मौका था, हाँ। वो हर युवा के लिए एक अवसर था, लेकिन ये तो एक 4 साल की एक पाबंदी है, भाई 4 साल के बाद वो करेगा क्या, उसके बाद उसको कहाँ जॉब मिलेगी, कुछ उनकी गारंटी है भाई इसके बाद हम उसको ये काम देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसे कह रहे हैं कि उनको ट्रेंड करेंगे, डिग्री देंगे, ये इतना पैसा देंगे, पर यहाँ की जो लोकल लोगों का हिसाब किताब है वो ये सबसे पहले तो ये पूछते हैं, हाँ भाई लड़का नौकरी पर है, परमानेंट नौकरी है, तब तो जाके उसका बेचारे का रिश्ता होता है, बिल्कुल ना तो शादी भी नहीं होती नहीं तो शादी भी नहीं होती है। ये खास करके मैं हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान की बात कर रहा हूँ, कहाँ पक्की नौकरी है तो शादी हो जाएगी, नहीं तो ठीक है भाई घूमते रहो, ऐसे ये हालत हो रही है। और ये जो हायर एचएलएन में बैठे हुए हैं लोग, उनको शायद बेसिक जो ग्राउंड रियलिटीज़ का मालूम नहीं है, जिसकी वजह से ये दिखते आ रही है। क्योंकि जब वो शादी के लायक होगा तब तो वो फोर्स में लाग जाएगा 4 साल के लिए, और जब वो 4 साल बाद आओगा तब उसकी एज निकल जाएगी, फिर उसका काम कितने बनाए नहीं, तो उसने आकर भी सुसाइड करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम मैंने लगा है। और आज हमारे साथ कर्नल साहब जुड़े थे भाई, बहुत बढ़िया लगा, और इन्होंने अपने विचार रखे, तो सर स्पेशल थैंक यू, आपने समय दिया, धन्यवाद, आपने हमें इस काम के लिए चुना, तो आई एम थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो। सभी भाइयों को कर्नल साहब की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।